जय हिंद दोस्तों, जय महाकाल। मैं आपका दोस्त बलवीर सिंह, स्वागत है आपका क्षत्रिय प्रणाम के अगले अभ्यास में। दोस्तों, आज के अभ्यास में मेनली जो आजकल कॉमन प्रॉब्लम है, यानी कई सारे बॉडी बिल्डर्स को भी ये बहुत जल्दी आ जा रहा पेन, जो लोग टी रॉड से उठा के उनको बैक का और लैट्स का वर्कआउट करते हैं उनके लिए भी, और जो ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए, जो एक्स्ट्रा यानी ज़्यादा ओवरवेट है उनके लिए, और जो जिनकी एज ज़्यादा बढ़ते रहती उनके लिए, खासतौर से वो लोग जो परेशानी से जूझ रहे हैं, यानी उनको स्लिप डिस्क यानी कमर में दर्द नॉर्मली तो अलग रहता जो कि मस्कुलर पेन रहता, और एक रहता स्लिप डिस्क पेन, जो कि सीधा सीधा आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर से जुड़ा हुआ रहता, जो कि आपके मेरुदंड को डिस्टर्ब करते रहता। तो इस विषय में आज का ये हमारा वीडियो, आज इस वीडियो में अपन जानेंगे कि इस दर्द से निजात कैसा पाए बिना सर्जरी के। देखिए दोस्त, अगर हद से ज़्यादा आपको स्लिप डिस्क हुआ तो आपको सर्जरी तो कंपलसरी रहती, लेकिन अगर छोटा मोटा है तो उसको आप क्षत्रिय प्रणाम से उसको दूर कर सकते हैं। पहले जानते हैं कि स्लिप डिस्क है क्या, कैसा होता है। स्लिप डिस्क वैसा है दोस्तों, जो कि अपने रीढ़ की हड्डी के अंदर एक 23 रबर के जैसे, स्पंज के जैसे छोटे छोटे डिस्क आते जो कि अपनी रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट देते, और जो अपना स्पाइनल कॉर्ड, जो अपना मेरुदंड आता उसको सपोर्ट करते, कि ताकि अपने को अगर कुछ काम काज कर रहे तो अपने जिस्म में झटके नहीं पड़ना और अपने मसल्स नहीं थकना बोलकर। अगर ये आपको सरक गया, यानी अगर आप हद से ज़्यादा वेट उठा लिए, उनको ये हो सकता हद से ज़्यादा आपका बॉडी वेट है, उनको ये डिस्क हट सकती। और जो ज़्यादा एज के लोग हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको भी मजल में थकावट होने की वजह से उनको भी ये स्लिप डिस्क हो सकती। ये हटने के बाद या तो आपको सबसे पहले आपको शुरुआत में हल्का फुल्का कमर में दर्द होगा, उसके बाद में अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया, अगर इसके आप सही टाइम पे अगर इसको सही नहीं कर रहे या डॉक्टर के पास जाके डायग्नोसिस नहीं कर रहे इसको, तो ये हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके लक्षण कुछ ऐसे रहेंगे, आपके स्पेशली पैरों में सुनपना रहेगा, झंझनाहट रहेंगी, तकलीफ़ ज़्यादा होंगी, कमर में उतना पेन नहीं रहेगा लेकिन हाथों और पैरों में झंझनाहट ज़्यादा रहेंगी, तकलीफ़ ज़्यादा और पेन ज़्यादा रहेगा, और साथ ही साथ आपके हाथ पैर में, हाथों में भी सुनपना आ सकता है, यानी खून का दौड़ान इससे कम होगा आपके जिस्म में, आपको थकावट जल्दी हो जाएगी, आप ज़्यादा चल फिर नहीं सकेंगे और मज़ल आपके जल्दी थक जाएंगे, यानी ज़्यादा आप कुछ भी एक्टिविटी आपके नहीं। तो दोस्तों, ये थे कुछ लक्षण और कारण, अब इसके इलाज के ऊपर बढ़ेंगे अपन। सबसे पहले दोस्तों, आप हो सके तो जितना हो सके उतना खट्टा सबसे पहले बंद कर देना, जैसे टमाटर हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, इमली हो गई, सारी खट्टी चीज़ें बंद करना है, और आपको लगाना है डंड, जो कि मैं आपको अभी वीडियो में बताऊँगा। और स्पेशली मुदगर इसके अंदर आपको ऐसा काम करेंगे कि आपकी रीढ़ की हड्डी को एकदम मजबूत बना देंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। ये देखिए दोस्तों, ये बेसिक शुरुआत में जिनको हल्का फुल्का दर्द है, सिर्फ उन्हीं के लिए बता रहा हूँ। आगे चल के अपन सीवियर पेन के ऊपर पूरा कंप्लीट वीडियो डालेंगे। जिनको छोटा मोटा दर्द रहता, यानी जिनको दर्द अभी शुरुआत में है, अगर वो इस अभ्यास का अपना रहे तो देखिए इसके अंदर आपके पूरी रीढ़ की हड्डी के ऊपर इन्हें असर गिरा था, स्पेशली यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी आपके बैक से लेके पूरा टो तक एक नस खींचते रहती है स्लिप डिस्क की वजह से। लेकिन इस अभ्यास से आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। दंड बहुत बेहतरीन स्लिप डिस्क के लिए। आइए बढ़ते अगले अभ्यास के लिए। ये देखिए दोस्तों, शुरुआत में आपको छोटे मुदगर लेना, यानी कम से कम आपको 2 से 3 किलो का मुदगर पर्याप्त है। एकदम आराम से ऐसे ऐसे इसको जब घुमाना है, एक बार पलटो आकाश, पलटो। ये देखिए दोस्तों, जब आप इसको घुमाते हैं, यानी मुदगर का यही तो फायदा है कि जब आप इसको घुमाते रहते हैं तब आपकी रीढ़ की हड्डी, यानी आपके कमर के ऊपर पूरा यानी प्रेशर डालता है। जितना आप पीछे की ओर झुकेंगे
उतना आपके स्लिप डिस्क में आसानी रहेगी। यानी स्लिप डिस्क के अंदर पूरा जितना कमर पीछे जा सकते हैं उतने अभ्यास इसके अंदर आते हैं। ये शुरुआती तौर पे एकदम बेसिक अभ्यास बता रहा हूँ मैं। छोटा होने के बाद अब बड़े मुद्गर से अभ्यास करिए। ये देखिए दोस्तों, छोटे मुद्गर के बाद आप इसके अंदर बड़ा अभ्यास कर सकते हैं। पलटो, जब आप पीछे ले रहे मुद्गर तब आपकी सांस खींचना है आपको, जब आप सामने ला रहे तब आपको आपकी सांस छोड़ना है। और एक बात दोस्तों जो कि मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि कमर में जिसको ज़्यादा दर्द रहता है वो कौन सी चीज़ों से अवॉइड रहना। आप सभी को उगादी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये अपना हिंदू वर्ष नव वर्ष है जिसके अंदर नए पत्ते आते हैं। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर बोल के अपन 1 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन अपना ये हिंदुओं का नव वर्ष आज का आज है। तो सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत जल्दी मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाकाल।